नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों, अगर आप काफी टाइम से वन प्लस की टैबलेट लेने की सोच रहे थे तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम दोस्तों वन प्लस पैड के ऊपर आपको मैसिव डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या कंडीशंस है और दोस्तों क्या क्या इसमें ऑफर्स हैं, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा। साथ में किन के लिए वन प्लस पैड काफी ज्यादा यूजफुल होगा वो भी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले वन प्लस पैड की कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि ये टैबलेट क्यों वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स है 30,000 रुपीज की रेंज में। दोस्तों, इसके डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पर आपको जैसे कि दिख रहा है 11.61 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो जो डिस्प्ले की जो वेजल्स हैं वो सबसे ज्यादा यहां पर आपको कम देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल जो यहां पर आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिला काफी अच्छा देखने को मिलेगा। थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये दोस्तों एक आईपीएस डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल यहां पर जो कलर्स वगैरह है वो काफी यहां पर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों यहां पर आपको जो है 144 हर्ट्ज का मैसिव रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो इसकी मदद से क्या होता है, जब रिफ्रेश रेट हाई होता है किसी भी डिस्प्ले का, जैसे कि आप देख सकते हैं 144 हर्ट्ज लिखा हुआ है, सो जो आपकी डिस्प्ले होगी जब आप इसको यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा स्मूथ फील होगी। ऐसे से आपको कोई यहां पर लैग स्टेटस देखने को नहीं मिलेंगे। डिस्प्ले के अंदर जो स्मूथनेस होगी वो नेक्स्ट लेवल की यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में दोस्तों, इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो बेसिकली रेशियो है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसके अंदर कुछ रीडिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। साथ में दोस्तों, इसके अंदर आपको आई रीडिंग मोड ये सारी चीजें भी दी गई हैं, तो आपकी आईज के लिए काफी अच्छा है। ओवरऑल बाकी दोस्तों, ये डिस्प्ले जो है आपको 2K रेजोल्यूशन तक यानी कि वीडियो सपोर्ट करता है। इसी तरीके से आप इवन उससे हायर वाली वीडियो भी इसके अंदर प्ले कर सकते हैं और ये 2K रेजोल्यूशन के साथ ही डिस्प्ले आता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको शार्पनेस वगैरह भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9000 सीपीयू देखने को मिलता है, जो कि एक लेटेस्ट सीपीयू है। यहाँ पर दोस्तों आपको पावरफुल एक तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। आप इवन गेमिंग करें, कोई भी हैवी गेम चलाओ, इस तरीके से चल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी ये काफी अच्छी टैबलेट ओवरऑल आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों, इसके अंदर बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर अप्रोक्स आपको बैटरी का साइड 9500 mAh का देखने को मिल जाता है, जो कि 67 वॉट की सुपर बुक चार्जिंग सपोर्ट करती है। अब दोस्तों, बैटरी तो सभी टैबलेट्स में होती है, इसके अंदर स्पेशल क्या है? इसके अंदर दोस्तों स्पेशल इसको चार्जिंग को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 67 वॉट की बुक चार्जिंग दी गई है। ये चार्जिंग दोस्तों आपकी टैबलेट्स को एक तो सबसे पहले कूल रखने में मदद करती है। ये फास्ट चार्जिंग होने के बावजूद भी आपकी टैबलेट को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेगी। साथ में इस चार्जिंग की खास बात ये होती है कि जल्दी चार्ज करती है, और दूसरा इस चार्जिंग के अंदर ये चीज होता है कि दोस्तों ये बैटरी की जो लाइफ है उसको कम नहीं करती है। तो मतलब कम करती है, लेकिन और चार्जिंग टेक्नोलॉजी के मुकाबले काफी ज्यादा कम इंपैक्ट पड़ता है। तो वन ऑफ द बेस्ट चार्जिंग मार्केट्स में अवेलेबल है वो यहाँ पर यूज की गई है। साथ में आपको बेसिक कैमरास वगैरह तो देखने को मिलते ही है। और दोस्तों, ओवरऑल ये जो प्रोसेसर है 4nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो ओवरऑल जो इसके अंदर आपको एक एक देखने को मिलेगा ना बैटरी लाइफ, वो काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। साथ में हीटिंग वगैरह काफी कम होगी। सो इस टाइप से कंप्लीट आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। और दोस्तों, इसकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों, ये किन लोगों के लिए बेस्ट है और क्या इसके अंदर कमी आपको देखने को मिलती है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसको भले डिस्काउंट में खरीद रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों कमी ये है कि इसके अंदर कोई भी आपको सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर 5G यूज करें, 4G यूज करें, वो आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको वाईफाई के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, लेकिन वाईफाई यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, तो यहाँ पर कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कोई भी नेटवर्क का सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है। काफी सारे लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपको सेलुलर डाटा शेयरिंग का मतलब नेटवर्क है, ऐसा नहीं है। ये खाली ये बता रहा है कि वन प्लस के फोन के साथ कनेक्ट करोगे या फिर कभी कभी दूसरे फोन के साथ भी काम कर जाता है। सो वहां से आप डायरेक्ट एक तरह से नेट वगैरह ऑन करके ला सकते हो, ये मतलब है इसका। सो ये दोस्तों आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको अच्छे स्पीकर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी कमी मैंने आपको बता दी, कोई भी नेटवर्क्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अब किन लोगों के लिए टैबलेट वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स है? दोस्तों देखो, जिन लोगों के पास वन प्लस का फोन है उनको तो इसको छोड़कर कोई और टैबलेट लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर Xiaomi का पैड लेंगे उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होगी। इसके साथ अगर आप वन प्लस के फोन के साथ ही टैबलेट खरीदते हो, सो आपका जो एक तरह से मोबाइल की स्क्रीन है वो टैबलेट के अंदर आ जाती है, और आपका फोन पूरी तरह से आपकी टैबलेट के साथ सिंक हो जाएगा। सारा का सारा डाटा वगैरह आप चाहें तो जो भी आप ऑन करना चाहें, और आपकी जो टैबलेट और एक तरह से मोबाइल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, काफी बढ़िया हो जाएगा। आपकी सारी चीजें एक जगह मैनेज हो जाएंगी, दोनों चीजें कनेक्ट भी हो जाएंगी इस तरीके से। सो ये फीचर इनके अंदर देखने को मिलता है अगर आप OnePlus का फोन यूज करते हो तो। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई और फोन यूज करते हो तो वहां पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन टैबलेट के मामले में आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब नहीं होगा। जो परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई वैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, डिस्प्ले वैसी देखने को मिलेगी। तो किन लोगों के लिए यूजफुल है? तो दोस्तों, जो लोग OnePlus का फोन यूज करते हैं वो तो डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं आंख बंद करके। दूसरा, उन लोगों के लिए यूजफुल है जो
लोग दोस्तों एक पावरफुल परफॉर्मेंस वाली टैबलेट चाहते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ कोई एंड्रॉइड टैबलेट लेना चाहते हैं। अब इसके ऑफर के बारे में दोस्तों मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑफर है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये टैबलेट अप्रोक्स आप 29,000 रुपीज में बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वन कार्ड का ऑफर है वो आपको 5,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट दिला देता है। सो आप पता कर लीजिएगा, इधर उधर काफी सारे लोगों के पास वन कार्ड आजकल होता है। ये दोस्तों आपको एक किसी बैंक के साथ टाइप होता है लेकिन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको वन कार्ड की मदद से मात्र आप इसको अप्रोक्स 29,000 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी के कार्ड्स पे तो इतना अच्छा डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ओवरऑल दोस्तों इसकी प्राइस वैसे भी कम हो रखी है। जैसे कि आप अगर आप फॉलो करते हैं टेक को तो आपको पता होगा इसकी प्राइस 37,000-38,000 इस टाइप से रहती है, लेकिन अभी ऑलरेडी इस पर प्राइस कट हुआ हुआ है। और अगर आपके पास वन कार्ड है सो इस पर आप और ज़्यादा मतलब एक तरह से डिस्काउंट वगैरह पा सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी आपको वन प्लस पैड से रिलेटेड है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।